नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूँ गीता मिश्रा। पटना में हुए जलजमाव मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई जलजमाव को लेकर, जिसके बाद हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने लगातार 4 घंटों तक बैठक की और बैठक के बाद कई अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें दोषी मानते हुए उनका ट्रांसफर कर दिया और उन पर कार्रवाई की भी बात की गई। लेकिन हाईकोर्ट में आज इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि उनका ट्रांसफर करना कहीं से भी सही नहीं है। तो हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के फैसले पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है वो कहीं से भी सही नहीं है। जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी और उनका ट्रांसफर बिल्कुल भी किसी लिहाज से सही नहीं है। साथ ही साथ हाईकोर्ट में अब अगला डेट 18 अक्टूबर को रखा गया है, यानी इस मामले में फिर से 18 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने कई अधिकारियों को चिन्हित किया है और साथ ही साथ उस पर कार्रवाई की भी बात कही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के वकील भी आज कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने उनका भी पक्ष जाना, उनसे भी दलीलें पूछी, साथ ही साथ ये भी पूछा कि आपका पक्ष क्या है। कोर्ट हर एक बिंदु पर पहल कर रहा है, हर एक बिंदु पर जाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर गलती कहाँ हुई, क्यों इतनी ज़्यादा जलजमाव पटना में हुई। और यही वजह है कि कोर्ट बिल्कुल सख्त मूड में है। कोर्ट हर एक अधिकारी पर कार्रवाई की भी बात कर रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 4 सदस्यों की एक टीम गठित की है और चारों सदस्य को ये बात कही गई है कि हर एक बिंदु पर छानबीन हो, हर एक बिंदु पर जांच हो कि आखिर कमी कहाँ थी और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी और 1 महीने पर फैसला आएगा। और फैसला जब आएगा तब जो भी चिन्हित अधिकारी होंगे, जो भी दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट जलजमाव मामले में बिल्कुल सख्त है और साथ ही साथ जो भी ट्रांसफ़र किया गया है उस मामले पर भी हाईकोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है। तो तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें ये न्यूज़ के साथ। साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।